और मेरे इज्जतिमान प्रधानमंत्री और बहनों, आप तमाम का ममनून हूं, मशहूर हूं कि आप तमाम की दुआएं, तमाम की मेहनतें थी, कोशिशें, काम ले रहा है और बार बार आपके एतमाद से नवाज रहा है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम किया, मुझसे मुलाकात की, रखा तो सबसे पहले अगर किसी बात को खवातीन ने और फिर उसके बाद नौजवानों ने भी रखा और कहा कि अकबर भाई, हमने इस्माइल नगर की आपकी तकरीर में सुना कि तुलसी नगर से रोड जा रही है, हम जब ये जंगल था जब से यहां पर है, यहां पे घर बनाए, बेशक चट्टान थे, यहां पे पत्थर थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था, डेवलपमेंट हुआ। हां ये जरूर है कि हमारी तजावीज है कि यहां पे रोड चौड़ी हो, लेकिन रोड चौड़ी करना या तरक्याती काम लाने का मतलब ये नहीं है कि तरक्की के नाम पर लोगों को बेघर कर दे, लोगों का घर तोड़ दे या उनकी जिंदगियों को रोड पर ला दे। हम ऐसा काम नहीं करते। अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में, सीने में एक धड़कता हुआ दिल है और वो दिल हमने सबकी रजामंदी से, सबको एतमाद में लेकर, सबको खुश करते हुए हमने काम किया। यहां पर भी तजवीज है, अगर काम शुरू करना है तो उससे पहले आपके साथ मीटिंग करेंगे, आपके सामने तफसीलात रखेंगे, आपको बताएंगे कि इतनी जमीन जा रही है तो इतना मुआवजा मिलेगा और ऐसा होगा, सारी चीजें रखेंगे, सारी चीजें रखने के। अगर आप लोगों को इत्मीनान नहीं होता और मुखामी लोग कहते हैं कि नहीं अकबर साहब यहां पे हमको नहीं होना, तो ये अकबर ओवैसी की जबान है कि यहां पे रोड बाइंडिंग नहीं है। मगर ये है कि मेरी बात को आप भी सुने, मेरा तजवीज क्या है उसको देखें, समझे, मुतमईन हो गए तो काम होगा, नहीं हुए तो नहीं होगा। इसलिए अगर आवाम जिस काम से खुश नहीं है वो काम कराने में कोई फायदा नहीं है। आप जिसमें खुश, अकबर ओवैसी उसमें खुश, वही काम होगा। आप मुतमईन रहे, बेफिक्र रहे, यहां पे नहीं तो यहां का जो मंजूरी आई हम कोई और जगह पे लेके चले जाएंगे। काम तो चंद्रायन गुट्टे में ही होगा इंशाल्लाह। तो मैं यहां की खवातीन, यहां के बुजुर्ग, यहां के नौजवानों को ये तयखुन देता हूं, अपनी तरफ से जबान देता हूं कि जो भी काम होना है आपकी मंजूरी से होगा, आप मंजूर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मुझे नहीं।